कुछ देखिए सर, ऐसे कुछ रास्ते हैं जो कनेक्टेड हैं टनल्स के द्वारा, जैसा हम लोग बात कर रहे थे बाहर जो टनल है। ऐसे कुछ बर्तनों का उपयोग लड़ाइयों में भी किया जाता है, कभी दरवाजे पे तेल गर्म करके रखने के लिए, दुश्मन आता है उसके ऊपर तेल डाल सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं। इसको सीधा करते हैं अगर हम लोग तो ज़मीन पर नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका जो बॉटम जो पैंदा है उसका डिज़ाइन है गोल, तो गोल होने की वजह से वो गिर जाएगा। तो कैसे रखेंगे इसको? तो ये जो रास्ता भी हमें गाइड ने बताया कि रानियाँ जो होती थी वो रेडी होके यहाँ से निकलती थी पालकी लेके, जैसे सबवे होता है यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में, ऐसे ही पूरा सबवे। सो लेट्स गो। ऐसा दिखाई देता है ऐसा नहीं, जैसा मैं आपको बता रहा था। हाँ। क्योंकि वास्तुशिल्प के नियमानुसार जयपुर को बताया गया ज़्यादातर जो गार्डन अपने दिखाई देंगे वो चार सेक्शन में, मतलब चार भाग, एक दो तीन चार, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, मेन बात ये है। और जैसा मैं बता रहा था, किसी भी रास्ते किसी भी मार्केट से जाते हैं तो एक दूसरे क्रॉस करता है, तो जयपुर में आप खो नहीं सकते, ये खासियत है जयपुर। देखो वो सबसे पुरानी बिल्डिंग है सर, सामने वाला, ये वाला ना। हाँ, ब्लैक और जो येलो दिख रहा है अभी। हम लोग यहीं से ऊपर आए थे, आप लोग गाड़ी लेके यहीं से आए, पार्किंग भी दिया होगा आप लोगों ने। तो ये जो एरिया बना हुआ है ये सबसे पुराना पार्ट है कागज का, कुछ पुरानी बिल्डिंग है, मैं बता रहा था चूना सीमेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं हो सकता, तो पुरानी है कन्वर्ट हो चुकी है, लोग नहीं रह सकते यहाँ पर। बाउंड्री पूरी आ गई। एंड हाउ दे कम्युनिकेट, वो वॉच टावर, ये वॉच टावर कैसे करेंगे सर? लाइट और कुछ आवाज़ बजा के, कुछ मसाले और ये उनका खास तरीका होता था। उन लोगों को सिग्नल पता होते थे कि थ्री टाइम इसको बजाएंगे या ये आवाज़ करना है, खतरा होगा जब ये होगा, तो वो सब चीज़ें एक दूसरे को जानते थे। तो जैगर और एम्बर दोनों, मतलब एम्बर फोर्ट दोनों कनेक्टेड ही हैं? बिल्कुल मैडम, कनेक्टेड विद द टनल, जैसा मैं आपको बता रहा था। और कोई भी किला या पैलेस जब बनाया जाता था सुरंग उससे पहले ही बनाई जाती थी, क्योंकि सुरंग जो है वो एस्केप रूट है, सबसे सेफ। तो उन्होंने फिर क्या किया, यहाँ पहले मीणा आदिवासी ट्राइबल जानते हैं, मीणा लोग, मीणाओं को हरा करके इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई है आमेर को। और स्टोरी मैंने आपको बताई कि वंशज राजा राम के दो पुत्र थे लव और कुश, तो ग्वालियर में नरवर एक जगह है, वहाँ किले से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, राजा नल की संतानें थी उस ज़माने में। और वो लोग फिर जैसे जैसे बाहर निकलना स्टार्ट किए तो उनको जैसे जैसे राज्य अच्छा लगने लगा, मनोरम दृश्य था, चारों तरफ पहाड़ियाँ, तो पहले दौसा सिकंदरा, फिर उसके बाद में रामगढ़, और तीसरा पड़ाव आप मेन मान लीजिए ये आमेर। तो फिर यहाँ पर कौन थे, मीणा आदिवासी, उनको हराया, नई राजधानी बनाई, और फिर यहाँ काफ़ी समय रहने के बाद में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जयपुर सिटी इन 18 नवंबर 1727। तो जयसिंह जी ने खुद के नाम से एक जयपुर शहर बसाया जो वास्तुशिल्प ज्योतिष के अनुसार था, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड ही स्पोक अराउंड 17 लैंग्वेज, 17 भाषा बोलते थे। काफ़ी एरिया जो हैं ऐसे अपन देखेंगे अभी सर, जो कुछ लोग बताते हैं, जो हमारे सीनियर हैं, इतिहास में लिखा हुआ है ये जो जगह होता था। अब आप ये सोचिए सर, पहले के ज़माने में मैडम यहाँ कुछ बिछाने के लिए लगा हुआ है, चारों तरफ पर्दे हैं और इसको पूरा पैक रखा जाएगा। तो कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम जिसके लिए आज अपन पार्क करते हैं, इवेंट वगैरह के लिए कुछ किराए पर कुछ जगह लेते हैं, तो उनके लिए ये कुछ सेरेमनीज वगैरह के लिए प्रोग्राम के लिए होते थे, डांस या नृत्य। पैलेस में भी कई डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उसमें साफ ये पिक्चर दिखाया जाता है कि डांस वगैरह होता था। मनोरंजन के लिए जो भी चीज़ की जाए वो अपने जो आपको अच्छी लगे, चाहे अगर खाना अच्छा लगता है तो वो आपको शांति देगा, चाहे आप डांस करना चाहें, चाहे पीना चाहें, कुछ वो सब चीज़ें होती हैं। पर्दे यहाँ भी लगे हुए हैं, पर्दे नीचे भी लगे हुए हैं, और खसखस का इत्र भी बनता है। अच्छा, जयपुर इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इत्र परफ्यूम्स। माधो सिंह जी के ज़माने में कुछ चीज़ें बनाई गई थी, माधो सिंह जी ने ये कहा कि साहब मुझे वो इत्र चाहिए कि जैसे ही बारिश होती है गरम गरम रेत पे गिरती है तो उसकी खुशबू पैदा होती है, वो मिट्टी का इत्र मुझे चाहिए। राजा महाराजा की ख्वाहिश थी, कुछ चीज़ें बनाई गई और आज भी जयपुर में मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चंदन, मोगरा, रात रानी, चमेली, अच्छे मिलते हैं परफ्यूम्स यहाँ पर, तो अपने लेके जाएंगे। दूसरा खास इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा रात्रि का समापन कैसे होता है आज बताओ, मोबाइल से
आपको बैटरी चेक करके सुना है कि सुबह कितने परसेंट बची हुई है, है ना, यही देखते हो ना, या चार्ज पे लगा दोगे, रात को 2 बजे उठ के फुल हो गया, बंद करोगे उसको। लेकिन पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का रात्रि समापन होता था इत्र से, इत्र पान बोलते हैं उसको, या पान खा करके खाना खाने के बाद में डाइजेशन के लिए पान खाया जाता था। इत्र से क्यों समाप्ति होती थी कि आपको अगर सपना भी आता है तो खुशबू उसकी महक रहे, ये खास चीज़ है, कभी इत्र लगा के आप सोएंगे ना तो आपको सपने में भी उसकी खुशबू आएगी, आप नोटिस करके देख लेना। ये सेकंड वॉच टावर और ऐसा सिक्योरिटी के लिए द फोर्थ साइड, क्योंकि दिशाएं बहुत मायने रखती है, पैलेस का नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो दिशाओं के हिसाब से चारों कॉर्नर के अंदर चार वॉच टावर, जिस दूसरे के अंदर अपन आ चुके हैं पहला अपन देखे और भी ये पैलेस का जैन देवी का पार्ट। इसकी जो एरिया है जहाँ सिक्योरिटी में किन्नर रहते थे, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, महिलाएं ज़्यादा रखेंगे तो शायद आपस में बातचीत करें या चुगली वगैरह हो, मैडम बुरा मत मानना, लेकिन अगर जेंट्स रहें तो किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, तो इस कारण से हमेशा किन्नर, एंड दे ऑल्सो नॉट बिलोंग फ्रॉम प्रॉपरली इंडिया, मुगल कंट्री से आए थे लोग काफ़ी, मुगल राजा बाबर हुमायूं अकबर। अच्छा, गलीचे कालीन की बात करें, बहुत एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में गलीचे की जो शुरुआत हुई है वो बाबर हुमायूं अकबर, लेकिन अकबर ईरान से कुछ लेकर के आए 16th century में, हमास के कुछ शहर हैं, कुछ डिज़ाइन भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो वो लोग, और जब राजा हिंदू कुछ बाहर घूमने गए तो उनको कुछ आज खास अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगे, नीचे भी कुछ डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा था, वाज पेंटिंग लाहौर कराची, या जो हमने मेन गेट पर देखी थी जकूजी हम लोगों ने देखा, ये कॉन्सेप्ट बाहर के। तो जो पैलेस देखने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, मानसिंह महल, अकॉर्डिंग टू बुक द सिटेडल ऑफ आमेर सिटी में साफ लिखा हुआ है, एक अंग्रेज लेखक है उन्होंने साफ लिखा है कि ये पैलेस अफगानी की स्टाइल में बना हुआ है, और अफगानी की स्टाइल में क्यों बनाया गया, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान में मानसिंह जी का समय काफ़ी बीता, और हिंदुस्तान के पहले ऐसे शासक थे, या अपने यहाँ के ऐसे पहले शासक थे जिनको एक बार काबुल अफगानिस्तान के लिए भेजा गया अकबर की तरफ से। तो ये जो जयपुर का फ्लैग आपने देखा 5 कलर का, ये उन्हीं की देन है, उनके 5 सरदार जो 5 जगह जीत करके आए थे, उन्होंने 5 कलर को मिला करके जयपुर को पचरंगा झंडा, मतलब जो 5 रंग का जो गिफ्ट है वो उनके द्वारा दिया गया, और हिंदुस्तान के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने काफ़ी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। देखिए इतिहास में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सर, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और मानसिंह जैसे कुछ राजाओं के कारण आज हम लोग कुछ चीज़ें जीवंत देख रहे हैं, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे वो मुगल राजा हो, साम्राज्य विस्तार हर कोई करना चाहेगा पर मंदिर तोड़ने की आदेश अनुमति कोई नहीं देगा। पुराने ज़माने में कुछ मंदिर भी टूटे हैं जो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में ऐसा कुछ हुआ, तो वो चीज़ें यहाँ एप्लीकेबल है। अब मानसिंह जी या राजा बारमल की कई जगह बुराई की जाती है, उदयपुर चित्तौड़ वाले ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी मुगलों को दे दी, या शादी ऐसा हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, या जो भी हुआ, लेकिन इतिहास ये कहता है कि अगर वो हिंदू रक्षक नहीं होते तो न तो मंदिरों को बचाते, और अगर वो कायर होते तो शायद 77 लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो हिंदुस्तान के पहले शासक ऐसे हुए जिन्होंने हजारों मंदिरों का पुनरुद्धार करवाया। कनकावती उनकी जो वाइफ थी, आपका जो जगन्नाथपुरी का तोरण द्वार है उन्होंने दोबारा बनवाया, हर की पौड़ी हरिद्वार, आपके रोहतासगढ़ MP के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई है मानसिंह जी ने, और आपका जो एरिया बनाया गया पूरा वृंदावन में काफ़ी मंदिर बनाए गए मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। तो हिंदू रक्षक के रूप में महाराणा प्रताप, मानसिंह जी और वीर शिवाजी, इन लोगों का नाम हमेशा अमर है। और एक कैरेक्टर बहुत कम लोग नाम भूल जाते हैं, शायद आप लोगों को जानकारी कम होगी, शायद सुना होगा, बप्पा रावल का नाम सुना आप लोगों ने? बहुत कम लोग बताते हैं उनके बारे में, जबकि जो संप्रदाय या जो लोग अभी एकलिंगनाथ जी की पूजा करते हैं, एकलिंगनाथ जी की स्थापना ही उन्होंने की थी, और एकलिंगनाथ जी वो जो हम लोग आप घूम करके आए थे वहाँ भी, आप बता रहे हो उदयपुर जाके, उदयपुर में एक लिंग महल के अंदर महल के लिंग था ना, और गुहिल वंश के संस्थापक बोले जाते हैं, और उनका नाम अमर है काफ़ी समय तक, जो आक्रांत फैलाने के लिए हमेशा, अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपके धर्म पर अटैक किया जाएगा, कि अगर धर्म पर अटैक करें तो ये पहले जल्दी टूटेंगे। तो जो मुगल जो अरबी लोग आए ना, उन लोगों ने कोशिश करी कि सबसे पहले धर्म पर अटैक किया जाए, मंदिर तोड़े जाए, तो मंदिर तोड़ेंगे धार्मिक आस्था जब खत्म होगी ना लोगों की, तो आपसी फूट ज़्यादा होगी। तो बप्पा रावल ने काफ़ी लोगों को काफ़ी दूर तक खदेड़ा, ईरान के लोग भी आए थे लूटने के लिए, लेकिन उनका नाम अमर है, और अगर आपको समय मिले तो नेट पर जरूर सर्च कर दीजिए।
ये कुछ देखिए सर, ऐसे कुछ रास्ते हैं जो कनेक्टेड हैं टनल्स के द्वारा, जैसा हम लोग बात कर रहे थे बाहर जो टनल है, तो ये रास्ते यहाँ से कनेक्टेड। एंड लाइक सपोज द किंग वांट्स टू गो एनी वेयर विदाउट टेलिंग एनीबडी, या कहीं ऐसी जगह या कोई इमरजेंसी हो जहाँ राजा जाना चाहता हो, तो आज ये जाली लगी हुई सर पहले, लेकिन यहाँ लकड़ी या कुछ तो कवर करके रखते थे जिससे दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। एक ये और एक आगे भी बना हुआ है, ये जो गैलरी है राइट साइड में तो हम लोग मानसिंह महल जाएंगे, लेफ्ट साइड में शीश महल जब देख करके आएंगे। अच्छा। और सेम कुछ जाली इस तरह से बन रहा है कि हम लोग बाहर देख पाएंगे, लेकिन बाहर वाला अपने को उतना क्लियर नहीं देख पाएगा। वो रैंप जैसा बना हुआ है, एक निश्चित मात्रा में पानी आता था, पानी छोड़ने के लिए लोगों को काम करने के लिए दिया जाता था, वेंटिलेशन छोटे छोटे जालियाँ बनी हुई है, अपने घर में पंखे कूलर एसी होते हैं। बहुत सुख की बात करते हैं सर हम लोग कि आज आप गर्मी से परेशान हैं तो पंखा कूलर एसी यही निदान है, लेकिन पहले के ज़माने में गर्मियों में जो तपती दोपहर होती थी उसमें राजा यहाँ रहते थे। ये शीशा अभी लगाया गया है, जिगजैग डिज़ाइन बना हुआ है ब्लैक एंड वाइट मार्बल का, पानी आएगा तो लहराता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, लहरिया का भी सुना है आप लोगों ने, लहरिया एक डिज़ाइन है, पर्टिकुलर साड़ी बनती है हमारे यहाँ पर, लेकिन लहरिया से तात्पर्य एक और भावार्थ शब्दार्थ, जब रेत रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो वो डिज़ाइन लहराता हुआ बनाती है, और पानी की बरसात आती है तो भी वो लहराता हुआ, यहाँ इस चीज़ को दर्शाया गया। और ये पानी सीधा जाएगा गार्डन के अंदर इस जगह पे नीचे, और एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होकर आप देखेंगे ये वो जो दरवाज़ा है मैडम सामने, सेम वही दरवाज़ा है, लेकिन अंदर जो मटेरियल जो है वो चंदन की लकड़ी और वाइट जो है आज आईवरी आती रहा, काफ़ी अच्छी कंडीशन में था मैडम, लेकिन अब खराब हो चुका है। पहले इस पूरे गार्डन का नक्शा इस गेट पे दिया हुआ है, बीच में जो ब्लॉकेज बने हुए हैं चौपड़ जैसा टूट गया, वो एक बीच का डिज़ाइन था, बाकी ये पूरा सांचा। ये टूट कैसे गया? ये समय की बात है, मेंटेनेंस नहीं हुआ, इस कारण ये धीरे धीरे निकल करके टूटने लगे। आगे थे या कुछ चीज़ें जो थी वो बंद कर दी गई है। क्यों बंद करी पर? मैडम सेम रीजन मैंने बताया आपको, बहुत अच्छा। बहुत चीज़ें करते हैं कई जगह, आप फिर बोल बोल रहे हैं चले गए बाहर ही हैं कि बोल बोल नहीं है। सर पहले कुछ रास्ते थे जो बंद कर दिए गए, कुछ ऐसे रैंप भी थे जो बंद कर दिए गए। अच्छा, कर देते थे पहले काफी, जिनका यूज नहीं करते। लगभग मैडम 5-6 साल तो मुझे हो गए ऑफिशियल, पहले हम लोग बाहर ही घूमते थे, लेकिन अब थोड़ा काम अच्छा कर रहे हैं और मैंने काफ़ी सुविधाएं भी दी है, अभी चार्ज भी हम लोगों का बढ़ने वाला है, काफ़ी चीज़ें हैं। बाकी ये सही मोनूमेंट जितने भी हैं ना, वहाँ आपको अंदर मोनूमेंट में ही गाइड मिलेगी। ये मानसिंह महल है सर, और मानसिंह जी की 12 रानियाँ हुआ करती थी, जैसा मैं आपको पहले पर काफ़ी जगह लड़ाइयाँ हुई, तो कई जगह राजा ये भी चाहते थे कि बिना फाइट के समझौता हो जाए, तो पॉलिटिकल रिलेशन राजनीतिक संबंध के कारण काफ़ी आसाम बंगाल बिहार उड़ीसा काबुल अफगानिस्तान हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त, बताया मैंने आप लोगों को, तो डिवाइडेशन जो रूम के कर रखे हैं वो स्टेयर सीढ़ियों के साथ में, जो सीढ़ियाँ हैं ना लेफ्ट साइड में, ये इस रानी के कमरे से कनेक्टेड है, आगे एक और कमरा है दीवार के पीछे, इसके आगे एक और है, तो एक दिशा में हो गए 3, तो 4 दिशाओं में कितने होंगे सर? 12। वैसे ही सीढ़ियाँ भी 12 बनाई गई है, तो कभी भी राजा को आना जाना हो या रानी को भी बुलाना हो सर, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो जा सकते थे आ सकते थे। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं जो आज हम लोग देख सकते हैं, रूम का जो साइज़ या डिज़ाइन जो है वो ये कुछ पुराने हैं जहाँ रानियाँ रहा करती थी उस ज़माने में, और ये पूरा एक पोर्शन, मतलब ये एक पर्टिकुलर पोर्शन, ये छोटा सा बाथटब एक रानी का, इनकी जो सबसे फेवरेट रानी जो हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ डिटेल्स भी दी गई है, रानी श्रृंगार दे कनकावा छिवास फ्रॉम कर्नाटक, साउथ एरिया से बिलोंग करती थी, और कुछ एरिया उनके लिए शायद हो सकता है ये बड़ा रूम उनके लिए हो, उनके लिए बाथटब बनाया गया, और काफ़ी रानियों के लिए अलग अलग छोटे बड़े रूम बनाए गए हैं, तो डिवाइडेशन कर रखा है, सीढ़ियाँ चारों तरफ से, ऊपर कॉरिडोर और मास्टर बेडरूम ऊपर बना हुआ है सर, व्हेनेवर ही वांटेड टू गो इन एनी क्वीन रूम इन डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग, अलग अलग समय में आना जाना होता था, तो सीढ़ियाँ जो है चारों तरफ रास्ते से कनेक्टेड की गई है, और बीच में बनाई गई है बारादरी, क्योंकि काफ़ी रानियों या कुछ इतिहास के साथ बताया जाता है कि आपस में बातचीत करने का परमिशन नहीं होता था, क्योंकि लड़ाई भी हो सकती है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं तो लड़ाई होगी ना। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि भाषा की भी समस्या हो सकती है कि अलग अलग राज्य से रानियाँ होती, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं, तो बारादरी फॉर एनी काइंड ऑफ मीटिंग पपेट शो डांसिंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन काफ़ी प्रोग्राम हुआ करते थे, वो सब बारादरी में हुआ करते थे, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा जाकर।
जगह को हम लोग सर बारादरी के नाम से भी जानते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पर्दे सब जगह पे थे, तो पैक होता था काफ़ी प्रोग्राम वगैरह। और ये पैलेस का सबसे पुराना पार्ट है जहाँ हम लोगों को सबसे बाद में देखने को मिला है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पीछे से बिल्डिंग बनी है, तो ये सबसे पहले बना हुआ है। एक प्रशस्ति पत्र या ये लेटर जो है वो उर्दू भाषा में, उसका हिंदी इंग्लिश चाइनीज में देख सकते हैं। ये सबूत है कि इस पैलेस को बनने में 25 साल लगे थे उस ज़माने के अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग सामने देख सकते हैं। पीछे की तरफ में फील खाना बना हुआ है पैलेस के पीछे की तरफ। आज कुछ मंदिर भी बने हुए हैं, माधो सिंह जी के कुछ पुराने स्थान बने हुए हैं। तो राजा लोग या जो उनके रिलेटेड लोग होते थे वो देशटुकम बाई एलिफेंट, पैदल या हाथी घोड़े से नहीं आते थे वो लोग, तो वो पीछे फील खाना, क्योंकि इसका सबसे पुराना रास्ता जो है पीछे से ही है। और वही रास्ता जयगढ़ भी जाता है आज, अगर आप बाहर से भी जाना चाहें पैदल पैदल तो जयगढ़ जा सकते हैं अभी भी। बाकी टनल तो बंद कर रखी है, पर बाहर से खुला हुआ है वो रास्ता। और ऊपर में मास्टर बेडरूम वो वाला सामने जो है जो हम लोग बात कर रहे थे, तो और पूरा चारों तरफ से कॉरिडोर से कनेक्टेड होता था। ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी आना जाना होता, क्योंकि तीन कमरे इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं, तीन इस तरफ हैं। एक रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, दो पाँच मिनट दस मिनट आप अपनी इच्छा से भी घूम के आइए, थोड़े ऊपर रास्ते देख करके आइए। हर एक रास्ता जो है यहाँ नीचे कनेक्टेड होता है। तो आप लोग कहाँ मिलेंगे, हम लोग इसी जगह पर बीच में। बाकी एक जगह मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, थोड़ा सा घूम करके आइए। फिर आप दोनों इस तरफ से जाइए, सर आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको दूसरा रास्ता। अलग अलग रास्ते से जाके सेम जगह पे मिलने का है, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि सब जगह से रास्ते आ रहे हैं, एक ही जगह पे मीट होते हैं। 12 कमरे हैं, चारों तरफ तीन तीन कमरे हैं, सभी जगह से आप बीच में आ सकते हो। आप इस सीढ़ी से ऊपर चले जाइए और पूरा घूम करके चारों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब जो कॉरिडोर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आएँगे अपन बीच में बारादरी के अंदर ही। अच्छा, मतलब कहीं से भी बीच में आ सकते हो? बीच में आ सकते हैं सर। ठीक है, घूमिए, फोटोग्राफी कीजिए, फिर हम लोग बीच में मिलते हैं नीचे। पीछे वाला तो डेड एंड है, आई गेस यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। ओके, ये रास्ता ये लग रहा है, ये पूरा जो पैसेज है ना, ये पैसेज से 12 से जो 12 कमरे है यहाँ पे वो आप कवर कर सकते हैं। लुक्स इंटरेस्टिंग, और एट अ टाइम एक ही बंदा चल सकते हैं, इतने गैप है। और हर जगह पे ऐसे बनाए हुए ताकि हवा आती रहे, लाइट आती रहे, पता नहीं चलेगा रात को कहाँ जाएंगे। देखते कमरे, ये कोई सीक्रेट ऊपर का है, मन लग रहा है कि यहाँ ऊपर जा सकते थे। और वहाँ पे महाराजा के टाइम के लिए सीसीडी भी बनाया गया था। महाराजा को सीसीडी बहुत पसंद थी कॉफ़ी। और पैलेस के एग्जिट पे ही सीसीडी है, रेस्टोरेंट है, सामने एक दो शॉप्स है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो गाइड ऐसा बोल रहे थे कि ये दो जगह पे हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, नीचे बहुत महंगा है। तो आपकी इच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ्यूम बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको गाइड ने बताया हुआ वीडियो में। तो परफ्यूम्स है, आगे थोड़े से कपड़े हैं वो टाइप के जो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं उस ज़माने के वाले, और सीसीडी है। तीन चीज़ है एग्जिट गेट पे। देख तो ये स्मेल तो दे, ये जो फ्लावर्स आता है खाली रात में ही स्मेल करता है, रात में खिलता है।
अभी सुबह करेगा ना ये तो इतना अच्छा फिर ठीक है आशु अच्छा है और अपन ऊपर से सर पोस्ट और वहाँ से देख सकते हैं ये पुराने जाएंगे सर्वेंट क्वार्टर्स नौकरों के लिए जगह से और रिस्टोर करके रखा हुआ क्योंकि बिल्डिंग उस जमाने की नहीं है सर अभी नया बिल्डिंग करके इसको रखा गया ऐसे कुछ बर्तनों का उपयोग लड़ाइयों में किया जाता है कभी दरवाजे पे तेल गर्म करके रखने के लिए दुश्मन आता है उसके ऊपर तेल डाल सकते हैं पत्थर डाल सकते हैं तो दरवाजे पे आगे जो डिज़ाइन बनाई जाती थी आगे जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनाई जाती थी वो सिक्योरिटी सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक भी वहाँ खड़े रह सकर भी अटैक कर सकते हैं या अगर कोई चीज कोई सामान आप उनके पर फेंक सकते हैं इसको सीधा करते हैं अगर हम लोग तो जमीन पर नहीं टिकी है इसका जो बॉटम जो पैंडा है उसका डिज़ाइन है गोल तो गोल होने की वजह से वो गिर जाएगा तो कैसे रखेंगे इसको एक हैंडल जमीन में थोड़ा सा खड्डा खोदा या कोई कोई जगह पे इसको लगाएंगे कभी पानी पानी करना हो तो ज़मीन के अंदर क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर एक ही रहता है टेम्परेचर ऊपर का चेंज होता है सर्दी में नीचे का पानी गर्म रहता है और गर्मी के अंदर ठंडा रहता है ये रीज़न है हमारे आमेर फोर्ट की जो ट्रिप है वो ख़त्म हो गई है गार्ड जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मेरा काम किया है सर काम किया है इसका नाम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके थैंक यू समझाने के लिए डिटेल में वैसे तो एक घंटा ही समझाते एक से डेढ़ घंटा पर हमें दो घंटा आराम से घुमाया सब डिटेल में एक्सप्लेन किया जैसा हमने उदयपुर में किया था सेम यहाँ पे आइए इनका ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए क्या नाम है सर मनोज पारिक मनोज पारिक ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए थैंक यू सर सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ हिट द लाइक बटन नए और सब्सक्राइब करें ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले और जयपुर सीरीज़ के जो बाकी सारे ब्लॉग्स हैं वो डेफिनेटली देखना वन बाय वन एपिसोड्स आने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आने वाला है विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो बाय